शिवपुरी शहर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड के सामने महाकाल होटल के कमरा नंबर 109 में एक युवक की संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बीते कुछ दिनों से होटल में रुका हुआ था। आज युवक की लाश होटल के कमरे में मिली है। सूचना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस पड़ताल में पता लगा है कि युवक सतना जिले के मैहर का रहने वाला है। आधार कार्ड के अनुसार युवक के नाम की पुष्टि 36 साल के पीयूष पेंडालवार पुत्र केवी पेंडालवार के रूप में हुई है। होटल प्रबंधन के अनुसार पीयूष ने 13 जनवरी को होटल में चेक इन किया था और आज उसे चेकआउट करना था। चेकआउट के निर्धारित समय निकल जाने के बाद भी जब पीयूष ने होटल से चेकआउट नहीं किया, तब होटल का स्टाफ कमरे को चेक करने पहुंचा था तो होटल के कमरा नंबर 109 के बेड पर पीयूष की लाश पड़ी हुई थी। जानकारी के अनुसार पीयूष शिवपुरी जिले में किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर पदस्थ था। पीयूष कुछ दिन पहले ही किराए के कमरे को खाली कर होटल के कमरे में शिफ्ट हुआ था। पीयूष द्वारा होटल प्रबंधक को बताया था कि वह किराए का कमरा ढूंढ रहा है, कमरा मिलते ही वह होटल को खाली कर देगा। उसने होटल से चेकआउट करने की तारीख फिक्स कर रखी थी, जबकि उसने होटल के कमरे से चेकआउट नहीं किया था। जब होटल के स्टाफ ने उसके कमरे में जाकर देखा तो पीयूष की लाश कमरे के बेड पर पड़ी हुई मिली। पुलिस को होटल के कमरे से उसका लैपटॉप सहित बैग व अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस द्वारा पीयूष के परिजनों को सूचना दी गई है। SI रामेश्वर शर्मा का कहना है कि पीयूष के परिजनों के आने के बाद ही सही जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। स्टैंड के सामने होटल महाकाल है, इसके कमरा नंबर 109 में एक व्यक्ति रुका था, पीयूष पेंडलवार। इनके पिताजी का नाम है KP पेंडलवार, सतना रोड मैहर के रहने वाले हैं जी, जिला सतना। ये 13 तारीख को आया था शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे भी इनके नौकर ने इसको देखा था। सवेरे इसको चेकआउट होना था तो चेकआउट के लिए चेक करने आया तो जगह नहीं देखा तो इसको मरता। जांच अभी जो उसके घर वालों को बुलवाया, उसके घर वाले बताएंगे।